Hyderabad International School, CBSE plus exceed syllabus which is followed in 8 countries, modern plus Islamic education, 5-step activity based and play way method. Launching separate branch. Assalamu alaikum nazreen, aap sab ka khair maqdam hai. A18 Telangana News par aaj 7 July Wednesday ka din hai. Aaye nazreen dekhte hain international aur national ke khas khabrein. SBI रिसर्च ने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर अगले महीने अगस्त में दाखिल हो सकती है और सितंबर तक कोरोना की तीसरी लहर खौफनाक असर दिखा सकती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इस स्टडी को कोविड-19 द रेस टू फिनिशिंग लाइन का नाम दिया है। फिलहाल मौजूदा डाटा के मुताबिक इंडिया भर में रोज़ाना 10,000 के ऊपर केसेस दर्ज किए जा रहे हैं और जुलाई के आखिर तक शायद कोरोना के केसेस दोबारा बढ़ सकते हैं और अगस्त के महीने में कोरोना की तीसरी लहर का असर देखा जा सकता है, SBI ने कहा। पिछले 24 घंटों में इंडिया भर में 43,733 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस दर्ज किए गए। पिछले सैटरडे से इस बार कोविड-19 पॉजिटिव केसेस की गिनती बढ़ गई है और आज पिछले 24 घंटों में 930 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स की मौत वाकई हुई। पिछले साल से अभी तक जब से कोविड-19 शुरू हुआ है तब से अभी तक इंडिया में 4.4 लाख लोग की कोविड-19 के सबब मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में असेंबली पोल्स को मद्देनजर रखते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM अपना पहला ऑफिस खोलने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच डिस्ट्रिक्ट में जो लखनऊ शहर से 120 किलोमीटर दूर है, AIMIM सदर व MP हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जुलाई 8 को देवी पट्टान मंडल बहराइच में जाके ऑफिस का इफ्तिताह करेंगे। नाजरीन ये खबर बड़ी अफसोस से सुनाई जाती है। दिलीप कुमार अब इस दुनिया में नहीं रहे। आज 7 जुलाई वेनेसडे के दिन मुंबई हिंदुजा हॉस्पिटल में उन्होंने आखिरी सांसें ली, उन्हें लंग इन्फेक्शन था। दिलीप कुमार 98 साल के थे, उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। उस दौरान उनकी अहलिया सायरा बानो उनके साथ मौजूद थी। दिलीप कुमार जो जाने जाते हैं इंडियन सिनेमा की पहचान से, उनकी आखिरी रसूमात आज 5 बजे होगी। उन्हें जुहू कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा मुंबई में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने दिलीप कुमार को तहसीन पेश किए और अफसोस जताया। रशिया में खौफनाक प्लेन का हादसा पेश आया जिसमें सफ़र करने वाले सवारियों को नहीं बचाया जा सका। रशियन न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक प्लेन में सवार 58 लोग थे। प्लेन क्रैश होने के बाद कोई ज़िंदा नहीं रहा, सबके हादसे में मौत वाकई हो गई। यह हादसा ट्यूसडे के दिन पेश आया था। प्लेन लैंडिंग के दौरान प्लेन क्रैश हो गया प्लेन की कमज़ोर हालतों के सबब। आसाम में आज सुबह 5.2 मैग्नीट्यूड का जलजला महसूस किया गया। ये जलजला मेघालय, नॉर्थ के इलाके वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश और दीगर इलाकों में भी जलजला के झटके महसूस किए गए। न्यूज़ एजेंसी PTI के मुताबिक इस जलजले के दौरान किसी को भी जानी नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ माली नुकसान हुआ है। कोविड-19 के बढ़ते केसेस को काबू में करने सिडनी में लगा लॉकडाउन। सिडनी में डेल्टा वेरिएंट के कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स दर्ज हो रहे हैं जिसको काबू में करने लॉकडाउन लगाया गया है। बताया जा रहा है कि यह ऐलान सिडनी में 2 हफ्तों के लिए जारी रहेगा ताकि कोरोना वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट को काबू में किया जा सके। ईद उल अदा के मौके पर ओमान में लॉकडाउन लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ के साथ साथ गाड़ियों का आना जाना और लोगों का बाहर निकलने पर पाबंदियां लगा दी जाएगी शाम 5 बजे से सुबह 4 बजे तक। ये लॉकडाउन ओमान में जुलाई 16 सैटरडे से जुलाई 31 तक रहेगा। ईद उल अदा के दौरान दाहुल हिजा 10 से 12 तक। After successfully spreading education since 12 years, renowned educationalist Mr. Partha Sarthi, Director Success Junior College brings you Success Junior College for Girls affiliated to Board of Intermediate, Success Degree College for Women affiliated to Osmania University. Latest educational infrastructure, fully furnished and sanitized AC classrooms, spacious computer lab and science lab where you can engage your passion with respect and encouragement. Management are themselves faculty along with other senior faculty members. Courses offered for degree students, BSc NZC Nutrition, BSc BZC, BBA, BCom Computers, BCom General. Courses offered for intermediate students, MPC, JEE and MCET, YPC, NEET and MCET.
MEC CA CMA, CEC CA CMA, CEC Computer and regular. 100% scholarship assistance. Transport facility available. Hurry up, admissions are open. Success Junior College for girls, Success Degree College for women, IS Southern, X Roads, Santosh Nagar, Hyderabad.